दिन की हैं गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की हैं गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, है अजल से इनके नसीब में, है अजल से इनके नसीब में, वही As-salātu khayrun minan nawm, as-salātu khayrun minan nawm, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allah sahi tera lakh lakh shukar hai कि तूने फिर नई जिंदगी दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मीरू, तुम किसका इंतजार करता है पुत्र? दिनू बाबा, वो अपना मुखिया सही, अब पता नहीं मस्जिद में नजर नहीं आए। हाँ, मुखिया जी मस्जिद में नजर नहीं आए। तो मैं सोचता हूँ कहीं गोट से बाहर तो नहीं चले गए कहीं। अरे नहीं, गोट से बाहर जाते तो मेरी ढगे गाड़ी में जाते ना पुत्र, क्योंकि गोट से जाने वालों का और गोट में आने वालों का मेरे को पता है। ठीक है ठीक है, मैं मेरे ख्याल से घर जाता हूँ, उनको पता करता हूँ कि क्या बात है। मीरू, तेरे को भला ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है मुखिया जी की? अरे बाबा, क्या जरूरत हो तो आदमी किसी को जाके पता करता है, वैसे भी तो पता कर सकता है। हाँ, मेरे को खबर है तेरे को कौन सा पता करना है। तेरे को पता करना है कि पंचायत में होने वाले अब्दुल्ला के फैसले की खबर लेनी है। अरे बाबा, मुझे क्या जरूरत है अब्दुल्ला के फैसले की, मुझे क्या करना है? अच्छा बाबा, अच्छा, मेरे पे नाराज नहीं हो, मेरा बाप, जाओ जाके मिल ले। मिल लूंगा मैं। और सुन, स्टेशन के लिए ठीक 7 बजे गाड़ी रवाना हो जाएगी गोट से। अरे तुम टाइम पे आ जाना, हमेशा देर करके आता है वो। अंग्रेज तो चला गया, तुमको इधर छोड़ गया है वक्त की पाबंदी के लिए। टाइम से आ जाना। आ जाऊंगा टाइम से। सारा वक्त का ही तो खेल है। जाए खीर पत्ती और बिस्कुट भी। क्या बात है बच्चा, बड़ी गौर से अखबार पढ़े हो। मेरे बाबा, आज बड़ी मजेदार खबर आई है इसमें। क्या है क्या है? भरी अदालत में अपने शोहर को औरत ने थप्पड़ मार दी। क्यों 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 थप्पड़ मारा? अदालत में बीवी ने शौहर को थप्पड़ मारा है? जरा सही सही जरा तफसील से सुनाओ। अरे तेरे पीऊ का नौकर हूं, तेरे को पढ़ के मैं सुनाऊं? इतना शौक है तो भाई तू खरीद के पढ़। अरे बरकत चाचा, तुम तो नाराज हो गए। अरे जरा मजेदार खबर है, मसालेदार है, तो इसलिए मैंने कहा जरा तफसील से सुनाओ ना पढ़ के। बरकत चाचा, बाबा तुमने अखबार पढ़ लिया है क्या? हाँ पढ़ लिया है, क्या बात है? अरे बरकत चाचा, अभी तुमने सारा अखबार पढ़ लिया है, ऐसा करो कि इसके आधे पैसे मुझसे ले और अखबार मेरे को दे दो। दे दियो 2 रुपए, जान छोड़ो। सारी
गर्मा गर्म खबर को तूने बिल्कुल ठंडा चट कर दिया। जा इधर से। अगर तू पढ़ा होता ना चार दर्जे तो किसी से भी अखबार पढ़ाने की जरूरत नहीं। मुखिया सही है, खैरियत है, जिंदा है, क्यों? अच्छा, जिंदा होना तो नहीं चाहिए अगर ऐसी बीवी घर पे है तो। क्या कहा? नहीं सही, मैं ये कह रहा हूँ जी कि वो मैं मस्जिद गया था तो साईं आज तकलीफ मिला है ना मस्जिद, मैंने कहा खैरियत ही पूछ। घर में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? अरे कौन है बाबा? साईं सलाम अलैकुम सही। वालेकुम अस्सलाम बाबा, खैर तो है जी? सही, वो आप मस्जिद नहीं आए ना तो वरना मैं आपसे उधर ही पूछता था, अभी मैंने सोचा घर जाके पूछ लूं। क्या पूछना चाहते हो? सही, आपने एक पंचायत में फैसला किया था ना दो तीन दिन पहले, वो अब्दुल्ला का जिसकी दो बीवियां थी, तो सही मैंने ये पूछना था कि वो अपनी एक नंबर बीवी के साथ गया था या दो नंबर बीवी के साथ गया था घर, यही पूछने सुबह सुबह आए थे। नहीं मैं तो रात को भी पूछ लेता लेकिन रात ज्यादा पड़ गई थी तो। अच्छा तो बात नहीं है ना रात को पूछ रहा। दूसरों की शादी की बड़ी फिक्र है, खुद क्यों नहीं शादी करता? अरे नहीं बाबा नहीं, अभी तो बिल्कुल मैंने इरादा तर्क कर दिया है शादी का आप लोगों को देख के। अच्छा सही, इजाजत है। अरे ठहर 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 ठहर, मेरे को उमर दीन के पास जाना है, साथ चलते हैं। सही, इजाजत तो ले लो। सलाम सलाम। नहीं पंचायत में तो आप ऐसा होता है जैसे शेर है, लेकिन घर में सही बिल्ली क्यों हो जाता है सही? अरे बाबा मीरू, बाहर और घर की चार दीवारी में बड़ा फर्क होता है। बाहर शादीशुदा मर्द शेर होता है और घर में बिल्ली। सही, ऐसा क्यों होता है सही? तू अभी नहीं समझेगा, अरे जब शादी करेगा ना तो सब पता लग जाएगा। नहीं सही, अभी आपका हाल देखा है ना शादी का, तो मैं तो कवारा सही, अच्छा हूँ सही। तू नहीं समझेगा मीरू। अरे चर्या, मियां बीवी की इस नोक झोंक में भी प्यार छुपा होता है प्यार। अरे सही किधर है प्यार, इधर तो गुस्सा ही गुस्सा नजर आता है। अरे यही गुस्सा तो प्यार होता है। अरे बाबा तुम, हम तो इस प्यार से बाज आया सही, क्योंकि ये कैसा प्यार है कि सर्दी में भी खाविंद बीवी को देखता है तो उसको पसीना आता है सही। अरे चर्या चर्या, शादी ऐसा फल है जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। सही 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 सही, आपने बताया नहीं सही, वो अब्दुल्ला कौन सी बीवी उसके पास रही थी, एक नंबर या दो नंबर सही? अरे चरिया चरिया, चार दिन से मेरा मगज खपा रहा है, अरे तो तू खुद जाकर अब्दुल्ला से क्यों नहीं पूछ लेता? पूछूंगा जरूर पूछूंगा, अभी तो स्टेशन जाना है, ट्रेन का टाइम हो गया है। फासले। खिलाएगी माँ, तू शुगर की मरीजा है, तेरे लिए पकोड़े बहुत अच्छे हैं। और हकीम साहब ने भी कहा है माँ को सुबह शाम पकोड़े खिलाया कर। आग लगे इस हकीम को, खुद तो मेरा गर्मा खाता होगा और मुझे डाल दिया पकोड़ों पर। जा जा जल्दी जा, मुझे बहुत भूख लगी है। पर अभी गई और अभी आई। अरे जरा जल्दी आना, इस मीरू की बात में ना बैठ जाना। नमक मिर्च कम हो गया। अरे चाची, ओ चाची, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे
अपने चाची ये नमक मिर्च आज फिर कम हो गया है जरा, बेसन तो चखो ना आके मेरा। पकौड़े बनाते हुए नमक मिर्ची का जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ तुझे। अरे चाची ये औरत का काम है, तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे चाची तू मेरी शादी करा के मेरी क्यों इज्जत के पीछे पड़ी है? अरे शादी से इज्जत खराब नहीं होती। अरे पगले, शादी से तो मर्द की इज्जत बढ़ती है। आज मैंने देखी है ना अपना वो मुखिया साई की इज्जत बढ़ते हुए सुबह सुबह। चढ़ चाची चढ़ो। तू शादी से घबराता क्यों है? अरे चाची तू मेरे को ये बता कि तेरे को शादी करके क्या मिला? अरे बछड़ा मेरी तो किस्मत खराब थी, वो भरी जवानी में भाग गया। अरे भाग गया चाचा या तुमने उसको भगा दिया? बवाल, लोग तो कहते तुम उसको मारती थी। उसे तो मैंने नहीं मारा, तुझे जरूर मारूंगी। अरे चाची तेरी मार खाने के लिए तो मैं सारी जिंदगी बवाल तैयार हूँ, तू तो मेरी माँ के बराबर है ना, लेकिन जाल से मार नहीं खा सकता हूँ मैं। अरे चाची पूरा गांव तुमको क्या बोलता है तुमको याद नहीं है क्या? किस नाम से? अरे छोड़ो चाची अभी तुम नाराज हो जाओगी। बोल बोल किसी का नाम बताना बोल। चाची किल किल। गांव वालों की तो ऐसी की तैसी, तू अपनी जबान काबू में रख, नहीं तो खेत के बाहर फेंक दूंगी। जितना सारा काम करो तू ये कहता है किल 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 किल। जाजा मैं तेरा कोई काम नहीं करती। अरे नाराज होती है, आइंदा नहीं बोलूंगा चाची किल किल। हां दानिया हर वक्त बोलता रहता किल 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 किल, अपने को समझता क्या है? क्या बात है नीरू, चाची इतने गुस्से क्यों हो रही है? अरे चाची को चाचा याद आता होगा जरूर, तूने ही कोई शरारत की होगी, नाराज कर दिया ना चाची को, इतना प्यार करती है वो तुझसे। अरे चली चाची का जो गुस्सा है ना वो सोडे की तरह होता है। अरे तू अभी क्यों आई है इधर? तेरी सूरत देखने नहीं आई हूँ, पकौड़े लेने आई हूँ। अरे बाबा पैसे लाइए, सुबह सुबह मैं उधार नहीं करूँगा। बेफिक्र रहे, पहले पैसे तेरे मुंह पे मारूंगी, इसके बाद पकौड़े लूंगी। ये ले 5 रुपए पकौड़े दे मेरे को। अरे ये वही ना बात, सुबह सुबह भूनी हुई है, ये ले बाबा। ये ले बाबा। अरे तुका ये जरा बेसन तो चख, कहीं चाची कुछने में नमक तो तेज नहीं कर गई? कच्चा बेसन कोई नहीं चखती। चाची का चाचा तो 10 साल बाद भागा था, तुझसे जो शादी करेगा वो 10 दिन में भागेगा। अरे बाबा मीरू जल्दी कर, नहीं तो वो अंग्रेजों का आदमी है ना अपना दीनू बाबा, वो टाइम की पाबंदी करते हुए निकल जाएगा। जल्दी कर बाबा जल्दी कर। अरे चाची अपने मीरू को दुआ नहीं देगी क्या? लगता है अभी तक नाराज है। अरे चाची देख बाबा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा चाची अभी मैं जाता हूँ, अभी वापसी पे स्टेशन से ना मेरी लाश आएगी फिर बैठ के रोना। हाँ हाँ, ये क्या कह दिया? तू गया नहीं? अरे मैं कोई चाचा थोड़ी हूँ जो तुमको छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ ना। मैं मुझे दुआ दो ना मैं जाऊँ। जा, अल्लाह साईं तेरी रोजी में बरकत दे। ये हुई ना बात। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चला गया चाची, दफा कर उसे, छोटे बड़े का जरा भी लिहाज नहीं है, बड़ा ही बदतमीज है। बदतमीज है? तू बड़ी तमीज वाली है, खबरदार जो आइंदा तूने मेरे पुत्र को बदतमीज का समझी। तो क्या मतलब है, मीरू चाची को मक्खन लगा कर गया है। खैर चलो ठीक है, इसी बहाने मीरू से मुलाकात तो हो जाती है।
अरे पुत्र तेरे को जल्दी किस बात की है, जो ही नहीं तेरे नसीब में है वो तेरे को मिल जाएगा। अरे दीनू बाबा, मैं नसीब को नहीं मानता हूँ, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि जो आदमी मेहनत करता है ना, बस उसको उसका फल मिलता है। भला ये बता, ये सब कुछ तुम किसके लिए कर रहा है? नहीं तेरी माँ है, नहीं बाप है, नहीं तेरी शादी हुई है, नहीं बीवी है, नहीं बच्चा है। वैसे ही तुमने शादी नहीं करने का फैसला कर रखा है। नहीं दीनू बाबा, बाबा शादी तो मैंने करनी है, लेकिन मेरे को डर लगता है कि वो औरत जो है ना, वो मर्द को नौकर बना लेती है। अरे बाबा, किस चर्ये ने तेरे जहन में ये बात बिठाई है? औरत की गोद में तो पैगंबर पले हैं और शहनशाह। औरत अगर नहीं दुनिया में नहीं होती तो दुनिया में प्यार नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती पुत्र। औरत के बगैर तो मर्द आधा है। हाँ आधा है। हाँ तो मैं जाता हूँ पकौड़े बनाना है। तू पकौड़े बना पुत्र। इस चर्ये की समझ में अभी मेरी बात है। जट रहे जट। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई वाह। मीरू, गाड़ियां लेट हो जाती हैं मगर तू लेट नहीं होता, वक्त पर पहुंच जाता है तू प्लेटफॉर्म। वैसे है वक्त का बड़ा पाबंद। अरे साईं, मैं किधर पाबंद हूँ साईं? वो तो पाबंदी जो है ना, वो हमारा दीनू चाचा है, वो अंग्रेजों का नुमाइंदा, वो हमेशा मुझे कहता है, अरे बाबा मीरू वक्त पे पहुंच जाना, नहीं तो मुझे ना कहना कि दीनू चाचा ने नहीं बताया। अरे मीरू, शादी कर ले, माल बनाने का सारा काम बीवी कर दिया करे। अरे बाबू साईं, आपने भी मेरी शादी का जिक्र कर दिया। क्या बात है सही, क्या मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है क्या? साजिश? हाँ सही, आपने आज का सुबह का अखबार पढ़ा है क्या? नहीं, क्यों, कोई खास खबर है क्या? अरे साई, कयामत की खबर है, कयामत की खबर। अरे ऐसी क्या खास खबर है साई? उधर शहर में वो अदालत में बीवी ने अपने शौहर को थप्पड़ मार दिया सही, सबके सामने। मैं तो डर ही गया था, मैं समझा शायद कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है या मुल्क में इनकलाब आ गया है। अरे साईं, बीवी ने सबके सामने शौहर को थप्पड़ मारा है तो इससे बड़ा इनकलाब सही और क्या आएगा सही? अरे मीरू, जो लोग तुझसे प्यार करते हैं ना, वही लोग तेरी शादी करवाने का सोचते हैं। अरे नहीं बाबू साईं, ये प्यार करते हैं बाबा, ये तो दुश्मनी करते हैं। मीरू को बीवी के हाथ से पिटवाना चाहते हैं सही। मीरू मर जाएगा सही, लेकिन बीवी से मार नहीं खाएगा, शादी करेगा तो बीवी से मार खाएगा, मीरू शादी नहीं करेगा सही। सलाम अलैकुम सही। फासले बाबा।
भाई पकौड़ा चाहिए क्या? तेरो पानी भी चाहिए क्या? रोटी रोटी पकोड़े भाई, गाड़ी जा रही है। बीबी, गाड़ी जा रही है। और गाड़ी जा रही है भाई। अभी पूरी नहर पियो, गाड़ी चली गई है। अरे बाबा, अब इधर 24 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं आएगी। जिस गाड़ी से तुम उतरा है ना, उसका सिंगल बंदा। अरे बाबा, मैं तेर से कह रहा हूं, इधर कोई मुसाफिर खाना वाना नहीं है। अरे खड में जाओ, हमारा रोटी और पकोड़े का पैसा तो दो। मुझे नींद आ रही है ना। अरे चोकरी, वो चोकरी, बाबा मैं तुमसे बोलता हूँ, वो चोकरी। क्या बात है मीरू, क्यों चिल्ला रहे हो? सही में तो तब से चिल्ला रहा हूँ जब से गाड़ी निकली है, ये सुनती नहीं है, इसको असर ही नहीं होता है। वो कौन है? अरे बाबा, अभी अभी गाड़ी रुकी थी ना, तो ये चोकरी गाड़ी से उतरी है, पकौड़े लिए खाए है, और लगता है ऐसा है कि दो दिन से भूखी है, कोई बात ही नहीं सुनती है। सही सही, फिर क्या है, मैंने इसको बताया है पकौड़े खाती थी, मैंने बोला गाड़ी की सीटी बजी है बाबा, तुम्हारी गाड़ी जाती है, लेकिन सुनती नहीं है, अभी वहां चली गई है। वो देखो क्या बात है मीरू, गोठ नहीं चलना है क्या? अरे नहीं चलना है, गोठ गोठ चलना है, गोठ चलना है। चले ना पुत्र, तेरा ही तो इंतजार हो रहा है। अरे बाबा चलता है। बाबा रुक जाओ थोड़ी देर। क्या बात है बाबू साहब, खैर का है? खैर तो नहीं है बाबा। गाड़ी चली गई, आपको परवाह नहीं है? फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुन रही है ना, आप जिस गाड़ी में सफर कर रही थी उसमें आप अकेली थी या आपके साथ कोई और भी था? आप जाग रही हैं, सो रही हैं? अरे बाबू साईं, ये मकर कर रही है, पैसे भी नहीं दिए रोटी के, ये जागती है। अरे देखती क्या है बाबा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, बता दे क्यों नहीं हो? देखिए बीबी, मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ, क्या मसला है आपके साथ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अम्मा घबराओ नहीं, मेरे को बताओ तो तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम, मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मुझे नहीं पता, मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता। बाबू साहब, लगता है तो इसको कुछ भी याद नहीं है, खुदा जाने कौन से दुखों ने इसकी याददाश्त को छीन लिया है। भला अभी आप हमारे को इजाजत दो, हम इसको अपने गोठ ले जाएं। हाँ यही ठीक रहेगा,
क्योंकि 24 घंटे से पहले तो किसी ट्रेन ने आना। मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज किए देता हूँ, अगर कोई वारिस हुआ तो एक दो रोज में ले जाएगा। बाबू साहब, लावारस तो कोई भी नहीं होता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका अला सही। हुआ दीनू बाबा जो तुमने से यहाँ ले आए। पर मुखिया साईं, ये रहेंगे किधर? माई हाजरा के घर। ये बिल्कुल सही सोचा आपने, माई हाजरा का घर ही ऐसा घर है जहाँ कोई मर्द नहीं है। तो सही है, चाची इसको अपने घर में रखेगी? बाबा क्यों नहीं रखेगी, वो चाहे मुंह से कुछ बड़बड़ाती रहे लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। वो उसे कहना कि मुखिया जी ने भेजा है, कौन सा इस बेचारी ने एक दो चार महीने रहना है, एक दो दिन में इसके वारिस आएंगे और इस बेचारी को ले जाएंगे। अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं चाची के पास इसको ले जाता हूँ। हाँ चलो बाबा जाओ। अम्मा जाओ, किसी बात का फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ हम भी हैं, आओ आओ। चाओ दिए, हम जिस औरत के पास तुझको भेज रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी औरत है, वो तुझको धी बना के रखेगी। जाओ। ओ, अच्छा मुखिया साईं, अभी मेरे को भी इजाजत दियो। खुदा जाने कौन है ये, किसने अपने बारे में तुम्हें कुछ बताया कि नहीं? नहीं, ये अपने बारे में कुछ नहीं जानती, पता नहीं कहां से आई है, कहां जाने। बाबा खुदा करे इसके वारिस इसको जल्द मिल जाए। बाबा ये अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है। फासले बेड़ा तर जावे। मारती क्यों है अम्मा, क्या हुआ? खीर उबल के चूल्हे से बाहर आ गई है, तू गाना सुनने में मस्त है। खीर तो मैं भूल ही गई। तुझे क्यों याद रहेगी, तुझे गाना सुनने से फुर्सत मिले तब ना, और मुझे ये तेरे लक्षण अच्छे नहीं लगते। इसमें लक्षण की क्या बात है अम्मा, गाना ही तो सुनती हूँ, बोल क्या बात है। पीर बाबा की नियाज बनाई, जाके महल्ले में दे आ। दे आती हूँ। चाची, ओ चाची। सलाम चाची। जी तीर। अम्मा ने पीर साहब की नियाज दिलाई थी, वो देने आई हूँ। बेटा सुबह मैंने गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह दिया था, तूने अपनी चाची का किसी बात का बुरा तो नहीं माना? अरे चाची तू तो मेरी माँ जैसी है, भला माँ की बात का भी कोई बुरा मानता है? जी तीर।
ये किसके लिए? चाची ये मीरू के लिए लाई थी, उसके दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। अल्लाह साईं खैर करे, बहुत देर लगा दी। अरे बाबा, आप लोग जो सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुखिया साईं ने इसको भेजा है। ये गाड़ी से उतरी थी पकोड़े खाने के लिए, गाड़ी निकल गई। तो कोई बात नहीं, कल की गाड़ी से चली जाएगी। अरे ये कब जाएगी, ये तो अल्लाह साईं जानता है। बात क्या है, साफ साफ क्यों नहीं बताता? तू चुप कर, मैं चाची से बात कर रहा हूँ। मुझे बता मसला क्या है, ये कौन है? बात ये है चाची, इस बेचारी को अपने बारे में कुछ नहीं पता, इसे तो अपना नाम भी याद नहीं, इसलिए मुखिया ने कहा है कि ये तेरे पास रहेगी जब तक उसके वारसों का पता नहीं चल जाता, क्योंकि पूरे गांव में तू ही एक ऐसी औरत है जिसके घर में कोई मर्द नहीं। क्या मुखिया ने मेरे घर को मुसाफिर खाना समझ रखा है? जा ले जा इसे, मैं इसे कहां से खिलाऊंगी? अरे चाची इसकी फिक्र मत कर चाची, इसके खाने पीने के लिए मैं पैसे दूंगा। चाची ये बहुत बहुत मजबूर है चाची, बहुत। मैं क्या करूं, कोई मैंने मजबूरों का ठेका ले रखा है। चाची मजबूर ना सही, इसको अपनी रानी समझ के रख ले, समझ लेना वो मरी नहीं जिंदा है। देख बछड़ा, मुझे मेरी रानी याद मत दिला, उसके जीने के दिन थे, मैं जवानी में मर गई। अरे चाची 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 ये समझ ले के अला साई ने तेरे दरवाजे पे इसकी शक्ल में रानी को भेजा है, इसको गले से लगा। बड़ी लड़की का है, बड़े चौकरी। अल्लाह साईं, ये मैंने क्या कह दिया गुस्से में? अल्लाह साईं तू मुझे माफ कर देना रानी। बाबा अभी मुखिया साईं को क्या जवाब दूंगा? बाबा मेरे ख्याल से उधर ही चला चाहिए मुखिया साईं के पास। मुखिया साईं, ओ मुखिया साईं। बाबा क्या बात है? नहीं वो लड़की नहीं, वो अपना स्टेशन वाली, वो गायब हो गई है। सही है, गायब हो गई है जी। सही बाबा, कैसे गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई? वो सही, वो चाची ने उसको डांटा, उसकी आदत है चाची की, तो मैं चाची को समझाता पड़ा था। सही, वो पीछे से देखा तो गायब हो गई। सही, अरे कहाँ जा सकती है, तुमने उसको तलाश किया? सही, मैंने तो सब जगह तलाश किया लेकिन वो मिलती नहीं है। सही, अरे मैंने उसकी जिम्मेदारी तुमको सौंपी थी, और अगर वो हमको ना मिली तो हम रेलवे वालों को क्या जवाब देंगे? अरे जा 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 के गोठ के तमाम रास्तों पर उसको तलाश कर, और अगर वो ना मिले ना तो अपनी शिकल मेरे को मत दिखाना, जा भगिए। पता नहीं लड़की थी के बला गायब हो गई। नहीं बरकत सिंह, नहीं नहीं सर, वो शहर की छोकरी को देखा है तुमने? नहीं मीरू भाई, मैंने नहीं देखा है यहाँ। नहीं रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? अपनी तलाश में। मैं कौन हूँ, कहाँ से? मेरी दुनिया में कोई है कि नहीं? भाई जब तुमको याद ही नहीं है कि तुम कौन हो तो तुम जाओगी किधर? कहीं भी, मुझसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहती, मैं ये सुनत नहीं बर्दाश्त कर सकती। जब तुमको ये एहसास है तो एक ना एक दिन तुमको खुद याद आएगा, हो सकता है कि इधर गोट में तुम्हारे वारिस तुमको ढूंढते हुए आ जाए। मुझे तो लगता है मैं ना वारिस हूँ, तभी तो भटकती फिर रही हूँ। मुझे जाने दो। अरे कैसे कैसे जाने दे, तुम गोट की मेहमान हो और मेहमानों को ऐसे नाराज होके थोड़ी जाने देते, और वैसे भी मैं उधर स्टेशन पे बाबू साई को क्या जवाब दूंगा? मुझे उस औरत के पास नहीं जाना, मैं नहीं रहूंगी उसके पास। अरे चाची चाची बहुत अच्छी औरत है,
जबान की थोड़ी सी कड़वी है लेकिन दिल जो है ना उसका वो चैत से भी ज्यादा मीठा है। अभी मैं उसके पास से आया हूँ, बिचारी रो रही थी। रानी, वो देखो चाची तुमको ढूंढते हुए इधर आ गई है और तुम्हारा नाम भी रानी रखा है। रानी ठहर जा। ठहर। बेटा, बेटा, मुझे माफ कर दे, तू मेरे साथ घर चल, मुझे जो गुस्से में मुंह में आता है मैं कह देती हूँ, मैं तुझे रानी बना के रखूंगी। चल मैं। हाँ, इसने ताज भी बनाया है तुम्हारे लिए। चुप कर जा। चल। तुम खुद बोलती हो कि रानी बना के, तो ताज तो पहनाना पड़ेगा। चुप। चल मेरा बच्चा घर चल, चल मेरी रानी चल। रानी? हाँ तू मेरी रानी है। मेरा नाम रानी है। चाची घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुझसे ही मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने क्यों? कोई किसी से मिलने क्यों आता है? मेहमान जो है तू हमारी, पता नहीं कब वापस चली जाए। मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो सारी जिंदगी यही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुझे तो जाना ही पड़ेगा। मेरा मतलब है कोई ना कोई तुझे लेने जरूर आएगा। इतने सारे दिन हो गए तब कोई नहीं आया, तो अब कौन आएगा? कोई नहीं आता तो तू खुद क्यों नहीं चली जाती? तुम क्या समझ रही हो, मैं मकर कर रही हूँ? मैंने खुद कितनी बार यहाँ से जाने की कोशिश की है मगर नीरू और चाची मुझे रोक लेते हैं, वो नहीं जाने देते। और मीरू कह रहा था कि अगर मेरे वारिसों का पता नहीं चला तो वो चाची और मीरू मेरे वारिस बन जाएंगे। मीरू तो खुद लावारिस है, किसी का वारिस क्या बनेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। या अल्लाह, तुम मेरी याददाश्त की जगह मेरी जिंदगी ले लेता तो बेहतर होता। मेरा वजूद मेरे लिए एक सवाल बन गया, मैं कौन हूँ? ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, जो रोज और शब के हैं सिलसिले, हैं अजल से इनके नसीब में, हैं अजल से इनके नसीब में, वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले। ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, धनक फलक पे ठहर सकी न जमीन।